सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। कुछ राजनीतिक पार्टी एवं तथाकथित लोगों द्वारा इस एक्ट का विरोध किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश प्रवक्ता अनिता यादव ने कहा कि सीएए और एनआरसी के समर्थन में मिस्ड कॉल प्रक्रिया चलाई जा रही है, जो इस सरकार की नाकामयाबी को दर्शाता है। एनआरसी लागू करके और वहाँ जो एनआरसी का सर्वे कराया गया, तो सर्वे कराने में प्रथम दृष्टा में 25,000 लोग छूट गए। एक तरफ जो सरकार कहती है, डबल इंजन की सरकार कहती है कि हम लोग जितने भी एनआरसी के अंदर आएंगे उनको शरणार्थी कैंप बनाया जाएगा, उनको भगाया नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ जो प्रथम दृष्टा में जो 26,000 लोग का एनआरसी में आया ही नहीं, जिसका तो उसको उसका एक तरफ कहती है कि हम सब लोग को हिंदू सबको देशभक्त बना करके हम लोग देश से लोग को भगाएंगे नहीं, और एक तरफ एनआरसी में जब नाम ही नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पर उन लोगों को भगाया जाएगा। तो जिस तरह इनका जो मंशा है डबल इंजन की सरकार की, तो झारखंड में देखे कि एक इंजन साफ हो गया, एक इंजन बचा हुआ है और 2024 में वो भी इंजन साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा जो मिस कॉल चलाया जा रहा है, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये इनकी नाकामयाबी का पहला या क्या कहें घोर निराशा के कारण ये कदम है। जब ये देखें कि जनता इस चीज को समझ रही है, बहुत विरोध कर रही है, तो किसी भी तरह से इसको सच करने के लिए इन्होंने मिस कॉल का करो और का ये जो अभियान चला है, इसमें सबसे ज्यादा जो निंदनीय कहें, शोचनीय कहें बुद्धिजीवी वर्ग के लिए, किस पे इन्होंने अलग अलग नंबर तो सेम है, नारी का भी अपमान है कि हमारे देश में जहां नारी का सम्मान होता है, देवी कही जाती है, उस पर इस तरह के फोटो लगा के रखे हैं जो बच्चे समझ भी ना पाए और कॉल करें। तो ये आप किस तरह का देना चाहते हैं भारतीय जनता को, किस ओर धकेलना चाहते हैं, ये साफ नजर आ रही है। और दूसरी बात जो ये जो हमेशा कहा जाता है कि जुमलेबाजों की सरकार है, ये झूठ पर इनका होता है, जिस तरह से इन्होंने सदस्यता अभियान चलाया था। कई बार डिबेट में मैंने मेरे साथ जो भाजपा के प्रवक्ता बैठते थे वो कहते थे कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे अगर किसी के सदस्य हैं तो वो है भारतीय जनता पार्टी। जब चुनाव के नतीजे आए वो सामने हैं, बिल्कुल सामने हैं। तो उसी तरह ये झूठ पर ये साबित करना चाहते हैं, जनता पे थोपना चाहते हैं मिस कॉल के जरिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।